हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूँ एनिमेश। पिछले वीडियो में मैं दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में था, आज भी वहीं पर हूँ। मैं दोबारा इस फेस्टिवल में आ गया हूँ। फेस्टिवल का नाम है हॉर्न ओके प्लीज। मैं इसको कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई इसका इस तरह से मत लेना कि मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, बट इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल। 3 दिन के लिए लगता है हर साल दिल्ली में। फूड फेस्टिवल है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था यहाँ पे बहुत सारे होम सुविनियर्स के, होम डेकोरेटिव आइटम्स के फेस्टिवल या कार्निवल लगा हुआ है। आज मैं फूड पार्क की तरफ आया हुआ हूँ, जहाँ पे दुनिया भर के खाने के वैरायटीज़ हैं। मैंने स्टार्ट किया है चॉकलेट चाय से। बहुत अच्छा, एक अच्छा किस्म का लगा मुझे आइडिया, चॉकलेट चाय। बट आगे मैं घूमने वाला हूँ और दिखाता रहूँगा, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। मैं अभी फेस्टिवल के पूरे कार्निवल के हॉल के बीच में हूँ। बीच में एक ये टेंट है मेरे पीछे, और इस तरफ एक दूसरा टेंट लगा हुआ है, और मेरे चारों तरफ अगर मैं गिन सकूँ, और सही से अगर गिनूँ तो कम से कम 200 तो मैंने गिन लिया, 200 से ज़्यादा फूड स्टॉल्स हैं, दुनिया भर के डिशेस। लेकिन हाँ, ऐसा कोई भी डिश मुझे नहीं मिला जो मैंने शायद नहीं खाया हो। यहाँ पर बर्गर्स, पिज़्ज़ास, फलाफल्स, शवरमा, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, उसके बाद गिलोटी कबाब, यही सब मिल रहे हैं। बट हाँ, ऐसा एक भी चीज़ मुझे नहीं मिला जो कि यहाँ पर शायद मैंने नहीं खाया। मैं थोड़ा सा एक टूर लगा देता हूँ आपका, दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। लेट्स टर्न द कैमरा। इस तरफ अगर मैं स्टार्ट करूँ, वैसे मैं बीच से स्टार्ट करूँ, शुरू में मैंने चॉकलेट चाय से स्टार्ट किया, उसके बाद सबसे पहले तो करीम्स, ब्राउन शुगर, यहाँ पे कबाब, सीख कबाब वगैरह मिल रहे हैं, अमृतसरी कुलचा, काठी रोल, जिस तरह से मैंने बताया। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हम में से शायद किसी ने नहीं खाया हो। कम्बुचा, उसके बाद अलग अलग शेक्स, ड्रिंक्स। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बुरी लगी, छोटे छोटे बच्चे, मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे फ्री में बियर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बच्चे यहाँ पे बियर टेस्ट कर रहे हैं, और दुनिया भर की एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, बच्चों को बियर पिलाया जा रहा है मुफ्त में, या फिर शायद नॉमिनल चार्जेस भी चार्ज कर रहे होंगे। बट थोड़ा सा अनएथिकल मुझे लगा। एक फूड फेस्टिवल है, कॉलेज के बच्चे ज़्यादा आए हुए यहाँ पर, और यहाँ पे बच्चों को सिर्फ दुनिया भर की बियर टेस्ट कराई जा रही है। दैट इज़ समथिंग अनएथिकल। बट अगर मैं यहाँ पे उधर दिखाऊँ, मैं तो एक तरफ घूम रहा था, दूसरी तरफ अगर दिखाऊँ तो बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं। एक उस तरफ अगर मैं दिखा सकूँ, एक छोटा सा एक स्टेज बनाया गया है, और वहाँ पे पोडियम से अगेन कॉलेज के बच्चे गाना गा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं क्राउड का, और सारे सुरीले बच्चे बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये रहा स्टेज वहाँ पर, और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए, जहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ, ये रहा स्टेज, सेल्फी पॉइंट्स वहाँ पर आगे में बनाए गए हैं। यहाँ पर आप अपने पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हो। गाने का और एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इस तरफ भी मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, बर्गर लव ओवर कॉफ़ी, ये भी एक ब्रांड है, मतलब दुनिया भर के छोटे छोटे ब्रांड्स जो दिल्ली में या फिर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में अगर ऑपरेट करते होंगे, शेक जंक्शन, नथिंग बिफोर कॉफ़ी, वी देसी, आइस पॉप्सिकल, बहुत सारे ब्रांड्स, डोमिनोज भी आया हुआ, बड़े ब्रांड्स भी उन लोगों ने भी, कॉटन कैंडी, मुझे आगे कॉटन कैंडी का भी एक ब्रांड का नाम ही है कॉटन कैंडी। सो यू कैन सी लॉट मैनी ब्रांड्स जो दिल्ली में छोटे छोटे हैं या बाहर ऑपरेट करते हैं, अभी तक शायद इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे या हो नहीं पाए हैं। बेकरी है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट से ढाबा वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं, मोमो कॉर्नर, ये रहा कॉटन कैंडी, बहुत सारे हैं यहाँ पर। जो मैं कह रहा था, फ्री बियर डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर हो रहा है, और बियर ही नहीं यहाँ पर, अच्छा हाँ, फूड फेस्टिवल या फूड स्टॉल्स के बीच में ही यहाँ पर कुछ और भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे अपना भविष्यवाणी करवा सकते हो, टैरो कार्ड, या फिर यहाँ पे अपने बालों का स्टाइल करवा सकते हो, टैटू, टेम्पररी टैटू भी यहाँ पे करवा सकते हो, ये सब स्टॉल्स भी यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, और यहाँ पर भी बालों को रंगवा सकते हो, कलर, टेम्पररी कलर आप करवा सकते हो अपने बालों का। छोटे मोटे स्टॉल्स इस तरफ इस तरह से भी हैं, मैक्सिमम यहाँ पे छोटे मोटे वो सब दिख रहे हैं, हेयर ब्रेडिंग,
आप चोटी बनवा सकते हो, अगर आपने कभी चोटी नहीं बनवाई है तो आप चोटी भी बनवा सकते हो, वो भी करके देंगे। मैं यहाँ पे इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे छांव है, बाकी आज धूप बहुत काफ़ी ज़्यादा कड़क है। और जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरफ फिर एक बहुत सारे खाने का स्टॉल्स। अभी तो मैं इस तरफ छांव की तरफ घूम रहा हूँ, बट और आगे जहाँ मैंने स्टार्ट किया था वहाँ भी ले चलूँगा थोड़ी देर में। टिल देन खा लूँ और फिर मैं थोड़ा सा और आगे भी ले जाऊँगा, वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाऊँगा, फिर वीडियो को एंड करते हैं, लेट्स गो। मैं अभी दूसरी तरफ आ चुका हूँ, बहुत लाउड म्यूज़िक है, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये दूसरी तरफ, यहाँ पर भी बॉक्स स्टॉल्स बने हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे ब्रांड्स, चिकन के छोटे छोटे कबाब्स। लाउड म्यूज़िक में पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा या फिर कितना सुनाई दे रहा होगा। आइसक्रीम यहाँ पे, पोटैटो रोल्स, और इस तरफ शवरमा अगेन, बारबेक्यू। जैसे मैं कह रहा था छोटे छोटे यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं। यहाँ पे खुलेआम दारू बिक रही है। दिस इज़ व्हाट आई डिसलाइक, कि जहाँ पर इतने छोटे छोटे कॉलेज के बच्चे आए हैं यहाँ पे दारू फूड फेस्टिवल में क्या कर रहा है, दैट इज़ समथिंग आई डोंट लाइक। लेकिन उसके अलावा इस तरफ भी अगर मैं घुमाऊँ, यहाँ पर भी पास्ता लविस्ता एक ब्रांड है, और उस तरफ म्यूज़िक भी चल रहा है, लाइव परफॉर्मेंस भी, कॉलेज के बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा क्राउड ज़बरदस्त आया हुआ है, मैक्सिमम कॉलेज क्राउड है छोटे छोटे बच्चों का। और ये दूसरी तरफ जो सबसे अच्छा मुझे लगा वह है कॉटन कैंडी, इस तरफ और भी बहुत सारे नॉनवेज के ब्रांड्स हैं, यहाँ पे लेमन सोडा सब चीज़ मिलेगा यहाँ पे फूड फेस्टिवल में, ड्रिपिंग डोज, यहाँ पे मोमोज, और यहाँ पर भी कोई डेटिंग ऐप है उसका प्रमोशन चल रहा है। ऑल इन ऑल ज़बरदस्त फूड फेस्टिवल है, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी यहाँ पे बीचों बीच हूँ, दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो चीज़ है स्मोकी ड्रिंक। कोई भी ड्रिंक आप ऑर्डर कर सकते हो एंड दे मेक इट स्मोकी, ये कैसे पैकेट में डालते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मिलाते हैं, इट मेक्स इट स्मोकी, लेकिन ड्रिंक वही है। एक नया तरीका है अच्छी तरह से पब्लिसिटी करके उसको सेल करने का, स्मोकी ड्रिंक। उसके अलावा नहीं पता आप सुन पा रहे हो या नहीं, बहुत हैवी म्यूज़िक यहाँ पे बज रहा है। पीछे अगर आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं अभी भी। तो फाइनली मेरे पीछे आप देख ही सकते हो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मैं यहाँ पर गया था हॉन्ड ओके प्लीज़ में, तो वहाँ पे जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ें खाई वो है कॉटन कैंडी, लेकिन टेस्ट अच्छा था, लेकिन मैं अगर बताऊँ वो 200 रुपए का बेच रहा था कॉटन कैंडी, ये कह के कि उसको रोबोट बनाते हैं, बट एक्चुअली वो छोटा सा एक मशीन है जहाँ पर हाथ नहीं लगाया जाता, वो मशीन ही वो बीच में लकड़ी से वो कॉटन कैंडी बनाती है, दैट इज़ द ओनली रोबोटिक्स जो मैंने वहाँ पर देखा वहाँ पर थी, अदरवाइज़ इट वॉज़ जस्ट एन यूजल कॉटन कैंडी। बट ऑल ओवर मैं कहूँगा बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, हर साल दिल्ली में लगता ही है, 3 दिन के लिए लगता है, जैसे मैं हर बार कह रहा हूँ ऑनलाइन कभी भी अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में आते हो घूमने के लिए, 3 दिन का फेस्टिवल है, ऑनलाइन देख लो कब लगता है, कब मिलेगा टिकट्स इसका, ऑनलाइन बुक करो, यहाँ पर डेफिनेटली ए मस्ट विजिटिंग प्लेस जो मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा हर एक को। और ऐसी छोटी छोटी जगह मैं घुमाता रहूँगा। हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया एक कॉन्सर्ट लगातार हो रहा है, पिछले 3-4 घंटे तो मैंने ही बिता दिए, 3-4 घंटे से कॉन्सर्ट हो रहा है, मैंने भी वहाँ पे एंजॉय किया, आपको भी एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ। Thank you.
तो फिर फाइनली ऐसी प्यारी प्यारी जगह मैं घुमाता रहूँगा। आपको अगर वीडियोस पसंद है डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा विद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एट माई बैकड्रॉप। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।